सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, संडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपकी कमेंट लूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। एपिसोड शुरू करने से पहले एक अपील, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कृपया वही लोग सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं जो वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि दोबारा सब्सक्राइब करने से अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इसलिए एक ही बार सब्सक्राइब करें, दोबारा ना करें। हमारे चैनल के बारे में कुछ ऐसे बच्चों को बताइए जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको हमारे वीडियो लिंक दीजिए ताकि वो भी इस चैनल से फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, आपकी कमेंट लेता हूँ। ये मंदिर अरोड़ा जी हैं, उनकी कमेंट है, सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सिलाई मशीन हाफ सटल वाली यानी हाथ से चलने वाली मशीन के लिए पैर से चलने वाले पायदान जरूरी है या मोटर हेल्पफुल हो। तो मनी जी, अगर आप नया नया काम कर रही है, नया नया सीख रही है, तो आपको पायदान से, पैर से जो चलने वाले पायदान है उसके ऊपर आपको मशीन रखनी चाहिए। और अगर एक्सपर्ट है या काफी दिन से काम कर रही है तो आप मोटर से मशीन आप चलाएंगे, वो ज्यादा फास्ट काम करेगी। लेकिन आप नए नए हैं तो आप पायदान से ही मशीन चलाइए ताकि आराम से आप मशीन चला सके। जब आपका हाथ बैठ जाए मशीन के ऊपर तब आप मोटर लगा सकते हैं। ये दूसरी कमेंट के मनी अरोड़ा जी की है, ये कहते हैं सर इस फुल सीरीज में कितने एपिसोड आने वाले। तो मनी जी, हाँ ये तो मैं आपको पक्का नहीं बता सकता कितने एपिसोड आने वाले हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सीखेंगे और ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो 25 से 30 एपिसोड में या ज्यादा से ज्यादा 40 एपिसोड में आप फुल फ्लैश कमाने लायक बन जाएंगे। अगली कमेंट जीतू जी की है। जीतू जी बोलते हैं मास्टर जी नमस्कार। तो जीतू जी आपको भी नमस्कार। आप कौन से शहर से हैं? तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं झज्जर हरियाणा से हूँ। अगली कमेंट वारिसा जी की है, ये कहते हैं चाचा आप चाक का निशान गहरा खींचा करें। कपड़े पे जो चाक का निशान लगाता हूँ वो उसके बारे में कह रही है कि वो निशान दिखाई नहीं देता, तो आप गहरा निशान लगाए गए। वारिसा जी, आप वैसे तो मैं गहरा लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि गहरा से गहरा निशान आपको दिखाई दे। ये कहते हैं पजामा हमारी समझ में आ गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी समझ में पजामा आ गया। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप बार बार वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको जो है ना परफेक्ट बनाएगी। जिस सिस्टम से मैं बताता हूँ, जिस ढंग से मैं बताता हूँ, मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि आसानी से देखने वाले की समझ में आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, पजामा आपकी समझ में आ गया। अगले एपिसोड में कुर्ते की कटिंग आएगी तो उसको भी आप ध्यान से देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे अखबार पे या किसी वेस्ट कपड़े पे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगली कमेंट है सेहत जिंदगी, सेहत जिंदगी, इनकी कमेंट है, हाय सर मैं आपका नया सब्सक्राइबर हूँ। धन्यवाद आपका, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। प्लीज मुझे बताएं कि कटिंग की टेबल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, मुझे भी एक टेबल बनाना है। प्लीज 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 सर टेल मी। तो सेहत जिंदगी जी, अब ये आपका नाम तो नहीं लगता लेकिन ठीक है, आपने जिस नाम से अकाउंट बनाया हुआ है। तो देखिए, टेबल की लंबाई 5 फुट होनी चाहिए, 7 इंच 5 फुट और चौड़ाई 2.5 फुट, और ऊंचाई वैसे तो 2.5 फुट होनी चाहिए, लेकिन कुछ लंबे लोग होते हैं वो 3.5 फुट भी कर लेते हैं, 3 फुट भी ऊंचाई कर लेते हैं। लेकिन ये नॉर्मल जो ऊंचाई होती है वो 2.5 फुट की होती है। 5 फुट लंबाई, 2.5 फुट चौड़ाई और 2.5 फुट ही ऊंचाई आप टेबल की रखेंगे। तो अगर आप नॉर्मल कर गए हैं
तो बिल्कुल आपको ठीक आएगी। अगली कमेंट है सज्जाद जी, ये कहते हैं जेंट्स सलवार कमीज की कटिंग का वीडियो कब अपलोड होगा? तो सज्जाद जी अभी कुर्ते पजामे के एपिसोड चल रहे हैं, अभी पजामे की कटिंग का एपिसोड पिछला था, अब अगला कुर्ते की कटिंग का एपिसोड आएगा, उसके बाद पजामा और कुर्ता प्रैक्टिकली सिल के बताऊंगा, वो एपिसोड आएंगे, और चार पांच एपिसोड के बाद जेंट्स सलवार कमीज का भी एपिसोड आएंगे। सुदेश जी की कमेंट है, हाय सर मेरे कमेंट पढ़ने के लिए धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, ये स्पेशल संडे स्पेशल जो होता है ये आप लोगों की कमेंट के लिए ही होता है, आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए ही होता है। संदेश जी की कमेंट है, सर कपड़े का मेजरमेंट कैसे ले और कपड़े की सीधी और उल्टी बाजू कैसे पहचाने? तो संदेश जी मेजरमेंट के लिए मेरे शायद 11वां एपिसोड मेजरमेंट के लिए मैंने स्पेशल बनाया हुआ है, आप एपिसोड 11 देखिए तो आपको मेजरमेंट लेना आ जाएगा। और रही बात बाजू उल्टी सीधी का कैसे पहचाने, तो ये अगला ही एपिसोड इसी वेडनेसडे को इसी बुधवार को कुर्ते की कटिंग आएगी, ये उल्टी सीधी पहचानने के बारे में मैंने अगले एपिसोड में मैं बता रखा है, तो जैसे ही वो बुधवार को एपिसोड आएगा अब आप उस एपिसोड को ध्यान से देखिए, उस एपिसोड में आपको बाजू का उल्टा सीधा या सामना बैक जो भी है वो मैंने अच्छी तरह उसमें बताया हुआ है, तो आप अगला एपिसोड देखिए और मेजरमेंट के लिए एपिसोड नंबर 11 देखिए। अगली कमेंट है भरत सिंह जी, सर गुड नाइट, ये है शायद रात को इन्होंने कमेंट किए, सर गुड नाइट मुझे भी अपना चैनल बना लो। तो भरत सिंह जी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने आप चेला बन जाएंगे, आप हर एपिसोड को ध्यान से देखिए, जो बताया गया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप सीख जाएंगे। ये व्हाट्सएप की कमेंट्स है, ये मुंबई से है, की कहते हैं सर मैंने आपसे कुछ सीखना है, तो मेरे पास आने की जरूरत थी, मेरे पास आना चाहते थे, एड्रेस मांग रहे थे, आप मुंबई में हैं मैं हरियाणा में हूँ, तो कैसे मुलाकात होगी हमारी आपकी? वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है या ये जो महामारी चल रही है इसमें कम से कम घर से बाहर निकलिए, जो भी कुछ सीखना है आपको आप उसका फोटो व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या सीखना है, मैं उसी के बारे में संडे स्पेशल एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स, नमस्कार।